टुनटुनी अपने पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन टुनटुनी के पिता बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वो सोचने लगा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुनटुनी की देखभाल कौन करेगा। मैं आज ही अपने मालिक को बुलाऊंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरी बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण टुनटुनी का पिता टुन्नू काम पर नहीं जा रहा था। तब उसका मालिक कहता है, अरे टुन्नू क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। सेठ जी, अच्छा किया जो आप आ गए, मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा सेठ जी। ये मेरी बेटी है टुनटुनी, मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है टुन्नू, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। घर जाकर कड़कनाथ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को ये बात बताता है। सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है, आजकल वो बहुत बीमार है, वह चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे कड़कनाथ क्या बात करते हो जी, हमारा तो खुद ही एक बेटा है कालू, और मैं वर्कर की बेटी को क्यों गोद लूं? ऊपर से उसके पढ़ाई का खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे सुंदरी कौवी, तुम जरा दिमाग से सोचो, वो पक्षी जो कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूँ। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल पते की बात कही है आपने। अब कड़कनाथ टुनटुनी को लेने जाता है। अपने पिता से अलग होते समय टुनटुनी फूट फूट कर रोती है। बाबा मुझे अपने से अलग मत करो, मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? बाबा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जा मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। कड़कनाथ टुनटुनी को घर लाता है। घर आकर कड़कनाथ अपने काम में बिजी हो जाता है और सुंदरी कौवी टुनटुनी से मीठी मीठी बातें करने लगती है। टुनटुनी तू कुछ खाएगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे सुन टुनटुनी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, तू मुझे मेम साहब कहा कर, चल अब जा जाकर रसोई में सो जा। अगली सुबह सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास जाती है। ए टुनटुनी चल अब उठ, हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। मैम साहब रात में मुझे नींद नहीं आई, वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तुझे तो अब सोना पड़ेगा, तू अकेले सोने की आदत डाल ले, चल अब झटपट उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। टुनटुनी सुंदरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कड़कनाथ जब ऑफिस से आता है, टुनटुनी मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ साहब, ये लीजिए साहब। कैसा पानी है? मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने को कहा था और तूने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया, सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर कड़कनाथ टुनटुनी को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ को कारखाने में खबर मिलती है कि टुनटुनी के पिता की मौत हो गई। कड़कनाथ ये बात टुनटुनी को नहीं बताता। अब कड़कनाथ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। एक रात जब टुनटुनी सोई हुई थी, तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। टुनटुनी सपने में अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अब टुनटुनी सुंदरी कौवी के पास जाती है। उस समय कड़कनाथ और सुंदरी कौवी सो रहे थे। टुनटुनी दरवाजा खटखटाने लगती है। मैम साहब जल्दी दरवाजा खोलिए, मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है, मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जाऊंगी। अरे टुनटुनी इतनी रात हो गई है, तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो, कौन सी आफत आ गई? मैम साहब अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी, मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं अपने बाबा के पास अभी जाऊंगी।
चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी, कल सुबह बात करेंगे, चल अब भाग यहाँ से। टुनटुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनाथ और सुंदरी कौवी पर उस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं होता। ये सब कालू कौवा देख रहा होता है और कालू को टुनटुनी पर दया आती है, लेकिन कालू कौवा कुछ कर नहीं पाता। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बेवजह पीट रही होती है, तभी कालू कौवा वहाँ आता है और टुनटुनी को बचा लेता है। माँ, आपने जरा से भी दया नहीं है, कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? अब टुनटुनी यहाँ नहीं रहेगी, मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है। वहाँ जाकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है, तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रह नहीं पाओगी, मेरी माँ तुमको चैन से रहने नहीं देगी, तुम अब अकेली हो, तुम बुरा ना मानो तो मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी को कालू कौवे की बात सुनकर अच्छा लगता है और टुनटुनी इसको शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता, वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उसपे सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे, मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चुड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगा कर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, कहाँ है, जल्दी आ। तब टुनटुनी चुड़िया कहती है, आंटी वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है, आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना, कितनी बड़ी हो गई है, जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी, पहचाना मुझे, मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी, तू कब आई? टुनटुनी तू जा जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है, तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी, बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी तू हिम्मत मत हार बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काक उससे कहती है, टुनटुनी तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है, तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ
काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। सुंदरवन जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी टुनटुनी और अपनी माँ टूनी के साथ रहता था। टुनटुनी और कालू कौवा टूनी के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। टूनी को बहुत भूख लगती है। वो टुनटुनी को आवाज लगाकर बोलती है, टुनटुनी बेटा कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई है, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी, आपके हाथ पर क्या काम नहीं करते, दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ हाँ, खाना खाने को बोल दो बस, तो भर भर कर खा लोगी, और थोड़े से काम का बोल दो तो हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। टूनी चिड़िया भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को कालू कौवा नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। टूनी चिड़िया भूखी प्यासी ही सोई रहती है, उसे कोई पूछने नहीं आता। दूसरे दिन टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। टूनी कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, बेटा कालू मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है, जरा बाजार जाकर ला दो। अरे माँ तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के खर्चों से। खैर आपकी दवाई लाकर दे दूंगा। और सुनो माँ, टुनटुनी को परेशान मत करना, वो बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा मैंने कहाँ परेशान करा बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नीयत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो। कालू अपनी माँ को बुरा भला कह कर काम पर चला जाता है। जब शाम को घर लौटता है तो टुनटुनी टीवी पर सीरियल देख रही थी, और माँ टूनी एक कोने पर चुपचाप बैठी कालू बेटे का रास्ता देख रही होती है। कालू कौवा जैसे ही अंदर आता है, फिर टूनी उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ हाँ पी लो कालू जी पी लो, तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी फिक्र है बस, मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसलिए मैंने पानी दे दिया, आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं आपकी हरकतें, कितनी चालबाज है आप, घर में फूट पड़वाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है बहू, बेटा तू समझा बहू को, ये क्या कुछ बोल रही है। क्या समझाऊं हैं, क्या समझाऊं, सही तो बोल रही है, कोई काम होता नहीं तुमसे, और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे झेलूंगा मैं तुम्हें माँ। मैं तो कहती हूँ इनको ना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, जान खा रखी इस बुढ़िया ने। हाँ सुबह ही किसी वृद्धाश्रम में ले जाता हूँ। बेटा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा माँ, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और ना तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो, अब हम ही इस घर को छोड़ देंगे, बस यही चाहती हो ना। कालू कौवे की बातें सुनकर टूनी रोते रोते बोलती है, नहीं बेटा तू ऐसा मत बोल, मैं ही चली जाऊंगी। सुबह होते ही कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आता है। थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा और टुनटुनी लंच के लिए अपने दोस्त मिट्टू तोता को अपने घर बुलाते हैं। मिट्टू कालू से बोलता है, अरे यार कितने सालों बाद मिले हैं अपन आज। हाँ यार बहुत टाइम हो गया। आज तो भाभी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, पर भाभी एक बात बोलूँगा, आंटी जैसी दाल की खिचड़ी कोई नहीं बना सकता, वो तो पूरे जंगल की बेस्ट कुक है, क्यों है ना कालू कौवे। हाँ यार। वैसे यार आंटी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। यार मैं और टुनटुनी उनसे परेशान हो गए थे, उन्होंने परेशान कर दिया था, खाना दवाई और कितनी महंगी दवाइयाँ आती थी उनकी, तुझे तो पता ही है, तुझसे ही तो मंगवाता था मैं दवाइयाँ।
हाँ सही बोल रहा है, पर जिसे तू नॉर्मल शुगर की दवाइयाँ समझकर मंगवाता था ना, वो तेरी माँ का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी नहीं चुका सकता। कालू तू कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया, उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था। और ये तेरी जिंदगी जो है ना, ये उसी दिन खत्म हो जाती जब तू 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस माँ ने तुझे ये बोला था ना हॉस्पिटल में, बेटा परेशान मत हो नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन है, उस माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुझे एक किडनी दी थी। वो चाहती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तो जैसी औलाद को मरने देती, पर उन्होंने तुझे बचाया और थू है तुझ पर कालू। मिट्टू की बातें सुनकर कालू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरे दिन ही कालू कौआ सुबह सुबह अपनी माँ को लेने आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम में टूनी की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस कालू को ही याद करती रहती है। डॉक्टर कालू को देखते ही बोलती है, कैसे बेटी हैं आप जो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में भी यहाँ छोड़ गए। वो आपको इतना याद कर रही है और आप अपने ही जीवन में मस्त हैं। आप जैसे लोगों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं होता। डॉक्टर आप उन्हें ऐसे मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं ही बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा कितनी अच्छी माँ है, तुम्हारी गलतियों को भी अपनी गलती बता रही है। तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी पक्षी हैं जिनके पास माँ का साया तक नहीं होता। डॉक्टर की बातें सुनकर कालू अपनी माँ टूनी को रोते रोते गले लगाता है और बोलता है, माँ माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूं? माँ मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ माँ जी मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे मेरे बच्चों, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है? मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर तीनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं।